हाय एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ सूजी ढोकला की रेसिपी। आपने बेसन का ढोकला बहुत खाया होगा। मैंने भी बेसन ढोकला की रेसिपी कुछ दिनों पहले शेयर की थी, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सूजी ढोकला की रेसिपी। जब आपको हल्की फुल्की भूख लगे आप इसे फटाफट बनाकर खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। हाय एवरीवन, मैं गीता वर्मा, GeetaKinu.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है जिसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप सूजी। ये बारीक वाली सूजी है, आपको बारीक वाली लेनी है। अगर मोटी वाली हो तो इसे मिक्सी में ग्राइंड करके बारीक कर लीजिए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 कप दही। दही खट्टा होना चाहिए, अगर खट्टा नहीं है तो आप इसमें नींबू का रस ऐड कर सकते हैं। कोशिश करें कि खट्टा दही लें, तभी जो ढोकला है वो टेस्टी बनेगा। अब मैंने इसमें ऐड किया है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 2 चम्मच मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर खट्टा दही लिया है इसलिए मैं चीनी थोड़ी ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। अगर आपका दही खट्टा नहीं है तो आप चीनी कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। हमें एक मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार करना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। इसे मैं आपको क्लोजअप में दिखाती हूँ किस तरह का आपका बैटर चाहिए। तो ये मुझे अभी थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ। तो हमें मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए, क्योंकि जो सूजी होती है वो पानी को एब्जॉर्ब करती है, तो अभी ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। तो इसे हम क्या करेंगे, ढककर रख देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि सूजी पानी को अच्छे से अब्सॉर्ब कर ले। तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी बेकिंग टिन ले लेंगे, आप कोई भी स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं जिसमें आपको ढोकला बनाना है। तो मैंने यहाँ पर ये बेकिंग टिन लिया है जिसे मैं ऑयल से ग्रीस कर लूँगी इस तरह से। तो किसी स्टील के बर्तन में, डिब्बे में भी बना सकते हैं आप, अगर ये बेकिंग टिन आपके पास नहीं है तो इसे इस तरह से ऑयल से ग्रीस कर लें। तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ। अब हम गैस ऑन करेंगे, उस पर एक कढ़ाई रखेंगे। हमें एक स्टीमर तैयार करना है, इसमें मैं 1 गिलास पानी ऐड करूँगी और इसे मैं कवर करके हाई फ्लेम पे छोड़ दूँगी, ताकि इसमें उबाल आ जाए और इसमें काफ़ी अच्छी भाप बननी शुरू हो जाए। अब हम अपना बैटर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ढक्कन हटा लिया है और बैटर में मैं ऐड करने वाली हूँ कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने लिया है अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। अदरक और हरी मिर्च को मैंने मिक्सी में पीस लिया था, तो ये 1 टेबलस्पून मैं मिला रही हूँ, और इससे जो ढोकला है वो बहुत ज़्यादा चटपटा बनेगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो हमें इस ढोकले में चाशनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए हम इसमें पहले ही सारे फ्लेवर्स ऐड कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया इसलिए मैं हल्का सा इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे इनो। आप चाहे तो इसमें बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह का ये बैटर है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। अब मैं यहाँ पर इनो ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के करीब। अगर आप बेकिंग सोडा ऐड कर रहे हैं तो 1/2 टीस्पून ऐड करिएगा, तो बेकिंग सोडा से भी आपका बहुत अच्छा बनेगा। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी ताकि इनो घुल जाए, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स करिएगा, नहीं तो जो ढोकला है वो कहीं से फूल जाएगा, कहीं से नहीं फूलेगा, इसलिए अच्छे से मिक्स करें। और बहुत ज़्यादा आपको इसके बीट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो इसकी सारी हवा निकल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इस तरह का बैटर मैंने बनाया है, और इसे मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी इस बेकिंग टिन में। तो इनो ऐड करने के बाद आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है, तुरंत ये काम करना है, नहीं तो सारी हवा निकल जाएगी और फिर आपका ढोकला बिल्कुल भी नहीं फूलेगा। तो इस तरह से फटाफट ये काम करें, इस तरह से ट्रांसफ़र कर लें, और इसे हम अब कढ़ाई में रख देंगे। तो बिल्कुल भी टाइम ना लगाएं इस काम को, जितना जल्दी हो उतना जल्दी करें। तो यहाँ पे हम कढ़ाई चेक कर लेते हैं। कढ़ाई में ये देखिए काफ़ी अच्छा उबाल आ गया है और इसमें भाप भी बन रही है। अब इसके अंदर हम कोई भी स्टैंड रख देंगे। यहाँ पर मैं ये ढक्कन रख रही हूँ उल्टा करके, इसके ऊपर मैं ये बेकिंग टिन रख दूँगी। बहुत ध्यान से रखिएगा, काफ़ी गर्म है। अब इसे हम कवर कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे हम कम से कम 10 से 12 मिनट पका लेंगे, जब तक कि अच्छे से पक ना जाए। तो यहाँ पे करीब 10 मिनट हो चुके हैं, हम ढक्कन निकाल कर एक बार चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से चाकू या स्क्वायर डालेंगे इसमें। देखिए अभी बैटर लगा हुआ आ रहा है, इसका मतलब अभी ये थोड़ा सा कच्चा है, सही से पका नहीं है। तो एक दो बार मैं इसे और चेक कर लेती हूँ। देखिए थोड़ा
थोड़ी सी कसर बाकी है अभी, तो इसे मैं फिर से ढक दूंगी 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट बाद फिर मैं इसे खोल के चेक करूंगी। तो फिर से इसे वैसे ही चेक करेंगे स्क्वायर से या फिर चाकू से। तो यहाँ पे मैं चाकू से इसे देखिए, बिल्कुल जो चाकू है वो क्लीन आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो ढोकला है वो बिल्कुल पक चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे, उसे निकाल कर हमें ठंडा करना है। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ, यहाँ पे इसे मैंने निकाल लिया है और इसे हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। तो इसे हम ठंडा होने देते हैं, तब तक हम इसके लिए एक तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तड़का पैन लिया है, इसमें मैं 1 टेबलस्पून तेल डाल दूंगी। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून के करीब सरसों के दाने, आप चाहे तो राई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे हम क्रैकल होने देंगे, चटकने देंगे। तो जब ये चटक जाए, इसके अंदर हम ऐड करेंगे करी पत्ता। यहाँ पे मैं 10 से 12 करी पत्ते ले रही हूँ, तो ये करी पत्ता मैं ऐड कर दूंगी। मैंने इसे अच्छे से धो लिया है और इसे मैं बहुत ध्यान से ऐड करूँगी, क्योंकि इसे डालते ही छींटे आती हैं, तो बहुत ध्यान से ऐड करें। और इसके बाद अब मैं इसमें 4 से 5 हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, जिसे मैंने बीच में से काट लिया है लंबाई में। और इसे 1-2 मिनट फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। बहुत ज़्यादा इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और ये हमारा तड़का रेडी हो गया है। अब ये जो ढोकला है हमारा ठंडा हो गया है, इसे हम निकाल लेते हैं। बहुत ही स्पॉन्जी ढोकला बना है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। इसे मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो साइड से इस तरह से चाकू से हम इसे लूज़ कर लेंगे, और इसके ऊपर मैं एक प्लेट उल्टी करके रख दूंगी इस तरह से, और इसे फ्लिप कर देंगे। तो यहाँ पे इसे मैंने पलट दिया है, इसे हल्का सा टैप करेंगे और ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो ढोकला है हमारा निकल चुका है, और आप इसमें जाली देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी जाली पड़ी है। बहुत ही स्पंजी ढोकला बना है। इसे मैं फिर से एक बार पलट दूंगी और इसे सीधा कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, बहुत ही अच्छा ढोकला हमारा तैयार हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी ढोकला है। अब इसे मैं कट करूँगी पीसेज में। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, तो इसे बहुत ही आराम आराम से हम इस तरह से कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितने आराम से ये कट रहा है। अगर ये स्पॉन्जी या सॉफ्ट नहीं बनेगा तो ये आसानी से कटेगा नहीं, इसके पीसेस नहीं कटेंगे। तो ये देखिए कितने आसानी से ये कट रहा है, तो इस तरह से हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। तो ये ढोकला बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब इसके ऊपर हम ये तड़का डाल देंगे। तो इसमें हमें बेसन के ढोकले की तरह चाशनी नहीं डालनी होती है, इसीलिए हमने इसमें सारे फ्लेवर्स पहले ही ऐड कर दिए थे। तो ये खाने में खट्टा मीठा लगता है, क्योंकि हमने इसमें खट्टा दही ऐड किया है। अगर आपका दही खट्टा नहीं है तो आप नींबू का रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये खट्टा मीठा ढोकला बहुत ही अच्छा लगता है, आप इसे ट्राई करिए, बहुत ही हेल्दी है। आपको मैं एक पीस दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है ये, बहुत ज़्यादा। और इसे मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊँगी। इसके ये देखिए बीच में से इसका टेक्सचर आप देखिए कितना ज़्यादा ये स्पंजी है, बहुत ही बढ़िया, एकदम रुई की तरह सॉफ्ट है। तो आप इसे ट्राई करें और मुझे लिख के बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, इसमें कोई ज़्यादा ऑयल वगैरह यूज़ नहीं होता है और टेस्टी बहुत लगती है। तो कभी आपका हल्का फुल्का कुछ खाने का मन करे तो आप इसे बनाकर खा सकते हैं। तो बहुत ही पसंद आने वाला है सभी को, तो आप इसे ट्राई करें, मुझे लिख के बताएं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।